मेरठ में चोरों के हौसले पूरी तरह से बुलंद हैं। चोर पुलिस का खौफ नहीं खाते और खुलेआम चोरी की वारदात करने से बाज नहीं आ रहे हैं। एक बार फिर चोरों ने पुलिस को चुनौती दी और चोरी की घटना को अंजाम देकर बड़े ही आराम से फरार हो गए, लेकिन पूरी वारदात घटनास्थल पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। जरा देखिए तस्वीरों को, किस तरह से चोर बेखौफ होकर चोरी की घटना को अंजाम दे रहे हैं। जानकारी के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और हर बार की तरह वही रटा रटाया जवाब दिया कि मामला दर्ज कर लिया गया है और घटना का खुलासा जल्द ही किया जाएगा। मैं कैद हुई है, क्या सामने आ रहा है? हाँ, थाना फलादा क्षेत्र में एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, अभी इसकी जांच कराई जा रही है ये फुटेज कैसा है। मैंने एसओ फलादा से भी डिटेल में बात की है और उन्हें निर्देशित किया है कि अगर कोई भी ऐसी चोरी की घटना होती है तो उन्हें रिस्पॉन्सिबल ठहराया जाएगा, और साथ ही उन्हें प्रॉपर निर्देश दिए हैं कि कैसे कैसे उनकी उस चोरी की घटना का खुलासा किया जाना चाहिए। तो सर, उम्मीद की जाए कि आगे इस तरीके की चोरियों पर पाबंदी लगेगी? देखिए, पाबंदी के लिए तो प्रयास जारी ही है, अन्यथा चोरी की घटनाएं, चूंकि मेरठ जैसा क्षेत्र है और फोर्स जिस हिसाब से कमी है, अगर देखा जाए तो बहुत कम चोरी की घटनाएं हो रही हैं, लेकिन फिर भी जो भी एकाध भी चोरी की घटना हो रही है हम उस पर पूरी तरीके से कार्यवाही करेंगे। और अभी शायद कुंभ के बाद जो हमारा फोर्स आने वाला है तो हमारा फोर्स ऑगमेंटेशन भी किया जा रहा है। कल ही आपको पता होगा कि हमने 195 कांस्टेबल्स को अन्य मदों से हटा के थानों पे पोस्ट किया है, जिससे कि गश्त का सिस्टम अच्छा बनाया जा सके। इस पे और भी प्रयास हो रहे हैं और एक भी चोरी की घटना, हम लोग यही प्रयास करेंगे कि जीरो क्राइम हम लोग अपने मेरठ में कर सकें। ठीक है।